एवरी मुंबई फैंस राइट नाउ, मुंबई के फैन इस वक्त मारो मारो मारो, हमको चिंता मत छोड़ो सालो, दुनिया हिला देंगे हम दुनिया हिला देंगे, खुद हिल गए ना। अगर पोपटलाल की भाषा में कहो तो दुनिया हिलाने वाली मुंबई इंडियंस खुद हिल गई और गिर गई कल, और देखना होगा अब कि मुंबई यहां से उठ पाती है या नहीं। लेकिन सीएसके अजिंक्य रहाणे, वेल प्लेड सीएसके अजिंक्य रहाणे, मुंबई द सेम, मुंबई का लड़का पड़ा मुंबई पे भारी। अजिंक्य रहाणे वारे क्या बैटिंग की है, अजिंक्य रहाणे के लिए जोरदार तालियां, जितने सब का उतने कम है। वेल प्लेड अजिंक्य रहाणे, क्या स्वीट टाइमिंग के साथ आपने जो कल की पारी खेली है, पुराने दिनों की याद आ गई, जैसे आप पुराने अपने स्टार्टिंग में खेला करते थे। तो अजिंक्य रहाणे के लिए बहुत शानदार तालियां और सर जडेजा का कैच, कल ये थी मेन हाईलाइट मुंबई और सीएसके के मैच की। आप सभी लोग का स्वागत है अमित जोशी एजे के इस फनी और ऑनेस्ट रिव्यू में। तो आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है, और लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका अपना अमित जोशी। और मुंबई के फैंस कैसे हो, एवरी मुंबई फैंस राइट नाउ, मुंबई के फैन इस वक्त मारो मारो मारो, हमको चिंता मत छोड़ो तालो। धोनी 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 यही था कल, और मुंबई वालों के लिए दुनिया हिला देंगे हम दुनिया हिला देंगे, खुद हिल गए ना। अगर पोपटलाल की भाषा में कहो तो दुनिया हिलाने वाली मुंबई इंडियंस खुद हिल गई और गिर गई कल, और देखना होगा अब कि मुंबई यहां से उठ पाती है या नहीं। लेकिन सीएसके अजिंक्य रहाणे, वेल प्लेड सीएसके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे रिव्यू में, जो कि है फनी और ऑनेस्ट रिव्यू जो मैं दे रहा हूँ आजकल आईपीएल के लिए। तो आप लोग काफी 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 पसंद कर रहे हैं, तो ऐसी इसको पसंद करिए जैसे आप काफी को पसंद करते हैं, वैसे इसको भी काफी पसंद करिए। और मेरे इस चैनल को आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, मैं जितना धन्यवाद दूं आप लोग को उतना कम है। तो चलते हैं और करते हैं कल के मैच के रिव्यू। तो दोस्तों कल का मैच था राजस्थान और दिल्ली का, जो कि 11वां मैच था इस आईपीएल का, जहां पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम, और यशस्वी जायसवाल एक बार फिर बहुत बढ़िया खेला उन्होंने, और उसके बाद उनके साथी जॉस द बॉस द हीरो राजस्थान के किंग, उनने भी बहुत बढ़िया खेला, और ओपनिंग जोड़ी ने ही मतलब दिल्ली को आधा मैच वहीं पर खत्म कर दिया था। दिल्ली के लिए काफी अच्छा मतलब बहुत दोनों ने खेला, जायसवाल ने जहां 60 रन बनाए, वहीं जॉस बटलर ने 79 रन बनाए। बाद में आए भले उनका जो मिडिल ऑर्डर था संजू सैमसन जीरो में आउट हो गए, उसके बाद रियान पराग जो बिहू डांस जिनका बहुत फेमस है वो कल भी नहीं चल पाए और कल भी जल्दी आउट हो गए। तो राजस्थान की टीम ने काफी अच्छा खेला और स्कोर पहुंचाया 190। उसके बाद आए हेड मेयर, जिसको मेरी मम्मी, मैंने आपको पहले ब्लॉग में भी बताया था, हेड मास्टर कह दिया, और हेड मास्टर ने फिर वही हेड मास्टर वाली पारी खेल के राजस्थान को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया, और राजस्थान ने काफी अच्छा स्कोर खड़ा किया। और उसके बाद आई फिर दिल्ली की बैटिंग। दिल्ली की बैटिंग स्टार्ट होते ही आधी तो वहीं पर को समाप्त तो हो गई थी, जब उनके इंपैक्ट खिलाड़ी हमारे आपके पूरे इंडिया के बेहतरीन प्लेयर और ओपनर हमारे पृथ्वी शॉ जी, जिनको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ कि उनकी बैटिंग के सब कायल, और वो फिर फ्लॉप हुए, जीरो पे आउट हुए। और उसके बाद आए मनीष पांडे, जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट वो भी हैं, तो उन वो भी आते ही चले गए और आउट हो गए। और ट्रेंट बोल्ट ने क्या बॉलिंग की है, दोबारा से पहले ही ओवर में उनने राजस्थान की मैच में वापसी करा दी, और दो विकेट लेके पहले ही ओवर में दिल्ली की कमर तोड़ दी। लेकिन उसके बाद डेविड वार्नर और ललित यादव ने थोड़ा पारी को संभालने की कोशिश की, और डेविड वार्नर की पारी अच्छी थी लेकिन काफी धीमी थी, जिस वजह से दिल्ली अपने चेस तक पहुंच नहीं पाई। और क्या कहते हैं, दिल्ली की पूरी टीम जो है चेस को पूरा नहीं कर पाई और सिर्फ 142 रन बना पाई 9 विकेट के लॉस में, जहां सिर्फ डेविड वार्नर चले, उसके अलावा कोई बल्लेबाज दिल्ली का कहीं से कहीं तक का उनका साथ देता हुआ नजर नहीं आया। और इस तरह दिल्ली ये मैच बुरी तरीके से हारा, 57 रन से दिल्ली ये मैच हारा, और राजस्थान एक बार फिर टेबल टॉपर, और टेबल की टॉप में इस वक्त राजस्थान। तो आने वाले ब्लॉगों में और आने वाले मैचों में मैं आपको बताते रहूंगा कि टेबल्स में कौन है टॉप में, कौन है ऑरेंज कैप होल्डर। तो इस वक्त कल जो मैच हुआ, राजस्थान ने काफी अच्छा खेला, और पहला मैच
जैसे कि राजस्थान जीती थी और अभी भी जीती है, तो काफी अच्छा मतलब उनके लिए है। और उसके बाद आया दूसरा मैच एल क्लासिको आईपीएल का, मुंबई वर्सेस सीएसके, जिसमें काफी हाइप थी कि कौन ये मैच जीतेगा। हमेशा से बहुत बिगेस्ट राइवलरी है ये मुंबई और चेन्नई की, बहुत पुरानी मतलब एक तरह से कहा जाए कि इन दोनों के मैच हमेशा हाइप रहते हैं और काफी अच्छे स्कोरिंग और क्या कहते हैं काफी रोमांच। और उसके बाद आए मुंबई इंडियंस की बैटिंग और पहले खेलने आए और मुंबई का राजा अपना रोहित शर्मा, शर्मा जी का लड़का रोहित शर्मा, हमारे इंडियन टीम के कैप्टन और मुंबई इंडियंस के कैप्टन, काफी अच्छे दिख रहे थे कल, काफी अच्छी शॉटें भी लगाई दो तीन, तो लगा कि कल अच्छा खेलेंगे। और ईशान किशन ने भी जो स्टार्टिंग दी थी कि लगा था कि आज ये दोनों मुंबई के लिए काफी अच्छा खेलेंगे, लेकिन अचानक से तुषार देश पांडे ने रोहित शर्मा को बोल्ड किया। उसके बाद आए सर जडेजा जिन्होंने उन सेटलर के साथ मिलकर मुंबई इंडियंस की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी और पूरा मिडिल ऑर्डर तहस नहस हो गया। खाली टिम डेविड ने थोड़े बहुत रन बनाए, तिलक वर्मा अच्छे दिख रहे थे लेकिन वो भी आउट हो गए, क्रिस ग्रीन वो भी अच्छे दिख रहे थे वो भी आउट हुए। लास्ट में जैसे तैसे मुंबई की पारी थोड़ा क्या कहते हैं टिम डेविड की वजह से अच्छी थोड़ी लगी कि 157 तक वो पहुंची, लेकिन उसके बाद भी वो मैच विनिंग स्कोर नहीं था और 157 पे क्या कहते हैं मुंबई के 8 विकेट खोके उनने अपनी पारी समाप्त की, जिसमें टिम डेविड ने अच्छा खेल। उसके बाद है चेन्नई की बैटिंग, जहां पहले ओवर में बैरन रॉस ने चलता किया वहां डीन कॉनवे को, लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो किसी को उम्मीद नहीं थी। कौन आया? हमारे पुराने शेर अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने क्या बेहतरीन पारी खेली है, इस साल की फास्टेस्ट 50 बनाई है। अजिंक्य रहाणे के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए। मैं और जितने मेरे दर्शक देख रहे हैं सभी को मैं कहना चाहूंगा कि अजिंक्य रहाणे की पारी बेहतरीन पारी थी, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब क्या थ्री टाइमिंग कर रहे थे वो। उन्होंने पूरी तरीके से मैच सीएसके की तरफ मोड़ दिया और गायकवाड़ के साथ मिलके मुंबई इंडियंस को दूसरा मैच लगातार हराने में चेन्नई ने बिल्कुल बहुत बढ़िया खेल के मुंबई को दूसरा मैच हरा दिया। मुंबई लगातार 2 मैच हार चुकी है, अब देखना होगा कि यहाँ से मुंबई कैसे बाउंस बैक करती है, और चेन्नई जो कि पहला मैच हारी थी गुजरात से उसके बाद लगातार 2 मैच जीती है, तो देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने जो पारी खेली है, मतलब मैं तो जितने शब्द का उतने कम है उस पारी के लिए अजिंक्य रहाणे के, बहुत बढ़िया खेला उन्होंने, बहुत ज्यादा बढ़िया। और इसी के साथ सीएसके 7 विकेट से मैच जीत गई और काफी अच्छा रहा मुंबई की, जो जैसे लगातार 2 हार रही थी, इसमें हीरो रहे अजिंक्य रहाणे, रवींद्र जडेजा और गायकवाड़ ने अच्छा खेला, सेंटन ने अच्छी बॉलिंग की, शिवम दुबे ने भी कल थोड़े बहुत हाथ दिखाए। मुंबई की तरफ से अगर मैं कहूँ जैसे ऋतिक शौकीन ने काफी अच्छी बैटिंग की लास्ट में मुंबई को इतना स्कोर पहुंचाने के लिए, और काफी मतलब उनके लिए टिम डेविड थोड़ा बहुत अच्छा खेले, जहाँ जडेजा ने बेहतरीन कैच किया, और सीएसके की फील्डिंग जो हमेशा से ही बहुत बेहतरीन रहती है, तो एल क्लासिको में चेन्नई इस बार जीती पहला मुकाबला। अब आने वाले मैचों में देखना होगा कि कैसे रहता है, मैं अपने ब्लॉग के जरिए आपको बताते रहूंगा। आप ऐसी मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसी मुझे प्यार देते रहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों दोस्तों।